छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में अभूतपूर्व जनादेश के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की, लेकिन रायपुर दक्षिण के किलों को भेदने में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी और इस बार रायपुर दक्षिण में पता के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या है कांग्रेस की रणनीति और कैसे दक्षिण के दावेदार दिख रहे हैं दमखम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण राजधानी ही नहीं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। पिछले 7 चुनावों से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। स्वरूप चंद जैन से लेकर कन्हैया अग्रवाल तक कोई भी बृजमोहन के किले को नहीं भेद पाया, लेकिन हैरानी ये है कि इसी सीट से सबसे अधिक दावेदार भी सामने आते हैं। इस बार भी महापौर एजाज देवर, सभापति प्रमोद दुबे, भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल सहित पुराने दावेदार कन्हैया अग्रवाल यहां दमखम दिखाने में जुटे हैं। महापौर जहां प्रगति यात्रा से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वहीं सन्नी अग्रवाल हर वार्ड में अपनी टीम बनाकर युवाओं और खासतौर पर मजदूर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कन्हैया अग्रवाल कांग्रेसी नेताओं के घरों तक पहुंचकर नेम प्लेट लगाने में जुटे हैं। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी हितग्राही कार्ड अभियान के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश में हैं। इन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार के कार्यों के भरोसे इस बार दक्षिण के दंगल में जरूर सफलता मिलेगी। देखिए, रणनीति सिर्फ हमारे पास भूपेश है तो भरोसा है, एक जो नारा है, और दूसरी चीज हर वर्गों के लिए जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें जो लोग लाभान्वित नहीं हुए। अभी तो मैं लेके घूम रहा हूँ, अभी तो मैं प्रगति यात्रा कर रहा हूँ, मतलब जो हमने कार्ड बनवाया है उसमें लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को 20 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो दिया, इसमें आप जोड़ाइए। मतलब हर घर में एक योजना का लाभ, लोगों को लाभ मिला हुआ है। तब तक हमारी सरकार नहीं थी, तब तक हमारे उल्लेखनीय कार्यों के बारे में हम स्वयं नहीं बता पाते थे। अभी भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है, तब से लेकर के छोटी छोटी योजना जो आम आदमी के लिए आवश्यक होती है, जैसे MMU वाली गाड़ी आती है, मेडिकल यूनिट की गाड़ी आती है, 50% आपका जो बिजली बिल है वो कम हो गया, इसके अलावा आत्मानंद स्कूल एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। ये वो उपलब्धियाँ हैं जिसको आम आदमी सोचता था कि कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी सरकार जब से आई है तो हर वर्गों को के ऊपर ध्यान रखा गया, चाहे युवा हो, महिला हो, हमारी बुजुर्ग सियान हो, हर वर्ग के लिए अलग योजना है। और उसी उदाहरण से भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति आम आदमी का रुझान बना है। दक्षिण के दंगल में जीत दर्ज करने दावेदार जमकर पसीना बहा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर होगा, दक्षिण की जनता बृजमोहन के सम्मोहन से बाहर निकलेगी या कांग्रेस को 8वीं बार निराशा हाथ लगेगी, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन ये तय है कि इस बार भी दक्षिण का दंगल सबसे दिलचस्प होने वाला है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।